अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रीमी चिकन बनाना सिखाती हूँ, लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी हिट कर दें। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। चिकन 1 kg, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 15 से 20 सोक्ड बादाम, इसे रात भर भिगोकर रख दें या तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले भिगोकर रखें, दही 1 कप, क्रीम 1/2 कप, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें 1 टेबलस्पून, जायफल जावित्री पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इसे लंबाई में काट लें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब सबसे पहले बादाम दही डालकर ग्राइंड कर लें। पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड करें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज ऐड करके मीडियम फ्लेम पे ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करें। प्याज का कलर लाइट सा चेंज हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। अदरक लहसुन ऐड करके इसे जस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करें। 1 मिनट फ्राई करके अब इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह भूनें। लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब इसमें कुछ धनिया ऐड करें, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्चें, जायफल जावित्री और सॉल्ट ऐड कर दें। हर चीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करके इसमें दही और बादाम जो मैंने ब्लेंड करके रखे हुए थे वो ऐड कर दें। बादाम और दही वाला मिक्सचर ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। सब्ज़ मिर्ची इसके साथ ही, छोटी इलायची, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने 3 से 4 छोटी इलायची बारीक क्रश कर ली है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर करके चिकन टेंडर होने तक कुक करें। फ्लेम मीडियम रखें। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन तकरीबन टेंडर हो चुका है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक या मिर्च मज़ीद ऐड कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चें दरमियान से कट करके ऐड कर दें। क्रीम ऐड कर दें। मिक्स करें। क्रीम ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे अगेन लो फ्लेम पे जस्ट 2 मिनट्स के लिए कवर करके रख दें। मज़ेदार सा क्रीमी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। क्रीमी चिकन मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।